बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात खत्म हो चुकी है। 1 घंटा 20 मिनट चली इस मुलाकात में वैसे तो तमाम राजनीतिक वादे और तमाम ऐसे आश्वासन दिए गए होंगे, लेकिन दोनों ही नेता जिस तरीके से सामने आए, और कहा जा रहा है कि मायावती ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से न सिर्फ ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी काम करेगा, वहीं तेजस्वी यादव ने भी मायावती को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो ऐसे तमाम लोगों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं, और इसमें मायावती से वो आशीर्वाद लेने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ और जो देश में जिस प्रकार से बाबा साहब के संविधान को मिटा करके नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से देश के हर एक लोगों का एक आस था कि यूपी में क्या होगा, क्योंकि जो भी दिल्ली जाएगा बिहार यूपी होते हुए ही दिल्ली में काबिज करने का काम करेगा। और हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो बधाई देने आ गए, जन्मदिन के अवसर पे भी एडवांस पे देने आ गए। कहीं ना कहीं इशारे में इस बात को जरूर तय माना जा रहा है कि सपा और बसपा गठबंधन के बीच में जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं वो आरजेडी के खाते में जाएंगी, और उसके बाद बसपा और सपा का गठबंधन बिहार में भी काम करेगा। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।